माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर एट फ्री यूट्यूब चैनल। ओम शांति। आज विशेष हम ये बात करेंगे कि अपनी नींद से हम किस तरीके से लाभ उठा सकते हैं। जब रात्रि को सोने जाते हैं, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि रात्रि को सोते वक्त हमारा जो माइंड है वो बहुत ही आज्ञाकारी होता है। सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि हमारा माइंड किस तरीके से कार्य कर रहा है, कैसे वो चल रहा है। देखिए, कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे सबसे पहले स्टेज होती है बीटा, फिर होती है अल्फा, फिर होती है थीटा और फिर होती है डेल्टा। तो ये चार स्टेज होती हैं, इन्हें हमें समझना है कि इनमें क्या होता है। जैसे कि बीटा स्टेज होती है, बीटा स्टेज में हमारा माइंड 20 से 30 विचार पर मिनट करता है। इसे अंडरलाइन करना, 20 से 30 विचार पर मिनट कर रहा है। उसके बाद आती है अल्फा स्टेज। अल्फा स्टेज में क्या होता है, हमारा माइंड 10 से 20 विचार पर मिनट कर रहा है। अब मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, ये ध्यान से समझना कि पहले मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। इसके बाद आती है थीटा स्टेज, जिसमें हमारा माइंड 5 से 10 विचार पर मिनट कर रहा है। और आती है फिर डेल्टा स्टेज, यानी 0.5 टू 5 थॉट पर मिनट करता है। अब अगर हम बात करें 20 से 30 विचार की, तो यहाँ पर हमारे मन की गति तेज है। जो हम बीटा स्टेज की बात कर रहे हैं, यह हमारे मन की गति तेज है, बिल्कुल ऐसे है जैसे कि ट्रेन बहुत तेज चल रही हो और तेज ट्रेन में आप चढ़ने का प्रयास करें या फिर आप अपना उसमें बैग रखने का प्रयास करें तो विफल हो जाएंगे। लेकिन अगर ट्रेन थोड़ी धीमी चल रही हो तो हम उसमें चढ़ सकते हैं। वैसे ही बीटा स्टेज में पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो अल्फा स्टेज होती है, जिसमें होता है 10 से 20 विचार पर मिनट, वो आपके 11 भी हो सकते हैं और वो 19 भी हो सकते हैं, सबके वैरी करते हैं अलग अलग। तो 10 से 20 विचार में क्या होगा, उस वक्त हमारे मन की गति स्लो हो जाती है। दिस इज द राइट टाइम, ये बहुत ही सुंदर समय है हम अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करें, अपने न्यूरॉन्स की रीवायरिंग करें। यकीन मानिए, सब यानी पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड उस समय पर आपकी सुनेगा, आपकी मदद करेगा। जो कहते हैं ना कि किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है, ये वही बात है कि जब रात्रि को सोने जा रहे हैं, मन की गति 10 से 20 विचार पर मिनट जो है, ये इसको हम कह रहे हैं अल्फा स्टेज। ये वही समय है कि जब पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद करने के लिए है। नींद का लाभ लेना हमें सीखना पड़ेगा। नींद कोई श्राप नहीं, ऐसे कहते हैं भाई पूरे दिन सोया रहता है ये तो, या नींद कम सो यार सो मत, नहीं। देखो, पूरे दिन खाना गलत है, लेकिन खाना गलत नहीं है। पूरे दिन खाना गलत है, वॉक करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरे दिन वॉक करना सही नहीं है। सोना अच्छा है, लेकिन पूरे दिन सोए रहना अच्छा नहीं है। ठीक वैसे ही हमें सोना है, प्रॉपर सोना है, हेल्दी स्लीप हमारी होनी चाहिए। जब रात्रि को सोने जा रहे हैं या दिन में भी सोने जा रहे हैं, जब मन की गति थोड़ी धीमे होने लगी, इसको कहते हैं अल्फा स्टेज वाली, ये होती है कि जब हल्का हल्का से झुटका से आता है ना, इसको कहते हैं अल्फा स्टेज, जिसमें हमारे 10 से 20 विचार पर मिनट चल रहे हैं। अब ऐसे में अगर हम अपने मन से धीमे धीमे बात करनी शुरू कर दें, यकीन मानिए आपको मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। सोने जाइए, बिस्तर पे गए, पहले मेडिटेट कर लीजिए, उससे क्या होगा, मन की गति स्लो हो जाएगी। उसमें भी एफर्मेशंस की प्रैक्टिस करनी है, स्वामान खुद को देने हैं। लेकिन जब बेड पे लेट जाए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, सबसे महत्वपूर्ण समय वो है जब बेड पे लेट गए हैं और वहां से सोने तक हम क्या करते हैं, मेडिटेशन करने के लिए हम बैठ गए, मेडिटेशन किया, ओके फाइन, हमारा मेडिटेशन हो गया, अब हम लेट गए, अब हमने माइंड को फ्री छोड़ दिया, अब वो कुछ भी सोचता रहे नहीं, वहां पर हमने उसे बैक टू बैक बहुत प्यार से एफर्मेशन ऐसे देने हैं जैसे हम उसे लोरी सुना रहे हो। तो लेटे लेटे आप बोले, जैसे दो तीन मैं आपको उदाहरण देता हूं, लेटे लेटे बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए आप ऐसे बात करें, हे मेरे मन आप बहुत शक्तिशाली हैं। तो आप देखेंगे आपका मन जिसमें इतनी शक्ति भरी हुई है उस शक्ति को काम पे लगा देगा। फिर कहिए, जैसे मानो हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, तो आप बोलिए कि हे मेरे मन मैं देख रहा हूं तुम शरीर को संपूर्ण स्वस्थ रखते हो, मेरा अंग अंग यानी एवरी ऑर्गन ऑफ माई बॉडी इज परफेक्ट,
परफेक्ट परफेक्ट लेटे लेटे लोरी की तरह एवरी ऑर्गन ऑफ माय बॉडी इज परफेक्ट, और धीमे से अंदर चले जाइए, यानी बॉडी को अंदर से देखने का प्रयास करिए, एक एक ऑर्गन को धीमे धीमे देखने का प्रयास करिए। ये पावर हमारे पास होती है। जैसे अब मानिए मैं मुंबई में हूँ और मुंबई में बैठकर दिल्ली को विजुअलाइज कर सकता हूँ, दिल्ली में मेरी फैमिली है उसे विजुअलाइज कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। ठीक वैसे ही इन आँखों से मुझे बॉडी के भीतर जो ऑर्गन से वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन बुद्धि के नेत्र से वो मुझे दिखाई दे सकते हैं। जैसे मानो मैं हार्ट को देखना चाहूँ तो मैं हार्ट को देख सकता हूँ, अपने माइंड को मैं अंदर देखने का प्रयास कर सकता हूँ, इन द सेंस कि ब्रेन को देख सकता हूँ। माइंड को हम कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे, माइंड से रेज निकल रही है, हमसे तरंगे प्रकंपित हो रही हैं, वो हम देख सकते हैं। तो बुद्धि में वो पावर है, तो लेटे लेटे देखा करें कि मेरा पाचन तंत्र परफेक्ट, हार्ट परफेक्ट, थ्रोट का प्रॉब्लम है परफेक्ट, परफेक्ट कहते चले जाइए। आप देखेंगे हमारे मन को ये आदेश मिल चुका है कि वो मेरी बॉडी को परफेक्ट रखे, या फिर मानिए उसके पास वो डिपार्टमेंट है कि वो हमारी बॉडी को परफेक्ट रखे। यहाँ तक कि हमारे जीवन में कैसी भी प्रॉब्लम कुछ भी चल रही हो, चाहे वो किसी से रिलेशनशिप में हो, या हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसी चीज जैसे हम सफलता चाहते हैं कहीं उससे रिलेटेड हो, आप देखेंगे हमारा माइंड उसे सॉल्व कर देगा। लेकिन काम सिर्फ एक ही करना है, हमें उसे सही कमांड देना है। अगर हम कमांड देते हैं तो वो काम जरूर करेगा। अब कमांड कैसे देना, ये ध्यान दें। सपोज करो कि हमें किसी से अपना रिश्ता अच्छा करना है, हम किसी से झगड़ा हो रहा है, हम अच्छा रिश्ता करना चाहते हैं, बहुत कोशिश कर ली, मोबाइल फोन मिलाते हैं वो हमें ब्लॉक करके बैठे हैं, या हमारा मोबाइल फोन उठाते ही नहीं है, कॉल उठाते ही नहीं है, क्या करें। एक है वो आपके टेलीफोन को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन टेलीपैथी को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, यानी माइंड टू माइंड मिले मैसेज को अवॉइड करना असंभव है। तो हम क्या करें, लेटे लेटे बातें करें, हे मेरे मन, आप सब जानते हैं आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप प्रेम से भरे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ आप उस सोल के मन को प्यार दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। देखें प्यार से कहें उस व्यक्ति के लिए जिससे आपको रिश्ता अच्छा करना है, कहें आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आप सचमुच बहुत फ्रेंडली हैं, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। दो तीन बात कहते कहते सो जाइए, आप तीन चार दिन में देखेंगे वो व्यक्ति आपको कॉल करेगा, रिश्ता अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे ही आपको अपने जीवन में मानो कि अपनी जॉब का प्रॉब्लम है, कुछ जॉब चाहिए, बिजनेस में कोई इशू चल रहा है, तो उसमें भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। लेटे लेटे संकल्प करें, जैसे कोई जॉब मुझे चाहिए, विजुअलाइज करें कि जैसे कि वो जॉब मुझे मिल गई है, मानो एक महीने के अंदर दो महीने के अंदर मुझे कोई जॉब चाहिए, तो मैं संकल्प करूं कि वो जॉब मुझे इस महीने तक मिल गई है, मैं वो जॉब पे जा रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। पूरा सीन विजुअलाइज करें लेटे लेटे आराम से, और शुक्रिया करते चले जाएं परमात्मा का, प्रकृति का। इससे क्या होगा, हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी ऊपर उठ जाएगी। जितने माइंड की फ्रीक्वेंसी ऊपर होती है उसी तरह की चीज़ों को वो बाहर से आकर्षित करती है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हम क्या करें, माइंड की फ्रीक्वेंसी को ऊंचा करें, तो नींद का हमें लाभ लेना है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, रात्रि जब सोने जाते हैं इसका प्रयोग इस रूप में जरूर कर लें कि जब सवेरे उठे, क्योंकि देखो सबसे बेहतरीन प्रोग्रामिंग, जो मैजिकल प्रोग्रामिंग है, हमारे जीवन को बदलने वाली प्रोग्रामिंग है, वो होती है सवेरे, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। लेकिन अमृत वेला बहुत से लोग जाग ही नहीं पाते, उठ ही नहीं पाते, नींद का इतना प्रभाव होता है कि कोशिश भी करते हैं तो ऐसे क्या है ये। अभी हमसे कोई पूछ रहा था कि भाई जी कुछ ऐसा बताइए कि अमृत वेला आलस ना आए, इसका क्या करें। देखो आलस क्यों आ रहा है अमृत वेला, हम उठे, उठते ही हम कैसे बैठे होते हैं ऐसे, यानी कि मेरे मन की जमीन एकदम उपजाऊ है और मैं पहला ही थॉट उसे आलस का दे रहा हूं, थॉट ही नहीं दे रहा मैं तो पूरा करके दिखा रहा हूं। ये
ये आलस ही तो है। तो मन की जमीन में आलस का बीज जा रहा है और वो जैसे ही दिन बढ़ेगा आपका पूरा, वो आलस का बीज पौधा बन के पेड़ बनेगा, फल देगा, पूरा दिन आलस से भरा रहेगा। इसलिए सवेरे जागे, पूरी एनर्जी के साथ जागे, एकदम उठे और मुस्कुराए और परमात्मा को सामने देके सीधे बैठे बिल्कुल, और मीठी मीठी बातें करें। आप देखेंगे विदिन 7 डेज आलस का ग्राफ गिरता चला जाएगा। आलस कहाँ चला जाएगा पता नहीं पड़ेगा। सवेरे उठना चाहते हैं, आंख खोलना चाहते हैं, मानो आप अब ये ट्राई करना, आज ही करना, अलार्म मत लगाना, बड़े प्यार से लेटे लेटे कहना, हे मेरे मन, तुम बहुत शक्तिशाली हो, बहुत आज्ञाकारी हो, तुम में तो ईश्वर का अथाह ज्ञान अथाह शक्तियां भरी हुई हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम मुझे सवेरे इतने बजे जगा रहे हो, इतने बजे उठा रहे हो, मैं देख रहा हूं कि इतने बजे मैं जाग रहा हूं, मैं मुस्कुराते हुए जाग रहा हूं, मैं देख रहा हूं ईश्वर मेरे सामने हैं, मैं सबसे पहले उनका चेहरा देख रहा हूं। यकीन मानिए बिल्कुल उसी टाइम आपकी आंख खुलेंगी, नहीं तो घड़ी चेक कर लेना। ये होता है, इसे यूज करके देखिए, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। हमारे मन में अधा शक्तियां हैं, हमें उन्हें प्रयोग करना होगा। नींद के चमत्कार हैं ये, नींद का लाभ लीजिए। जब सो जाएंगे अवचेतन मन में ये हमारे लास्ट थॉट होंगे और सारी रात नींद में सबकॉन्शियस माइंड वो करेगा जो लास्ट आपने उसे आदेश दिया होगा, और कमाल के रिजल्ट आएंगे। थैंक यू, ओम शांति।